प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे स्टेनो इंडिया इंस्टीट्यूट में ऋषि प्रणाली द्वारा शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की सर्वनाम तक की डिक्टेशन, जिसमें कुछ अन्य वाक्यांश जोड़ते हुए एक डिक्टेशन देने जा रहा हूँ, जो ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार स्टार स्टार्ट। आज भी हमें कोई भी काम करने से पहले ईश्वर को याद करना चाहिए, लेकिन हमें आशा है कि हम स्वतः ही किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। हमको तुमको कभी और कभी भी मुझे यह मालूम करना चाहिए कि हम उसी के साथ जो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसलिए आज हमें एक आशा के साथ अब, कब, लेकिन कभी भी, अभी भी कुछ कार्य को तैयार करने से पहले यहाँ यह देखना है कि जीवन में हमें जरूर कोई एक आधार तैयार करना चाहिए। कार्य कोई भी हो, वह क्या बड़ा है, क्या छोटा है, यह देखने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। हमको कभी भी और अभी कोई भी हो, चाहे जीविका के लिए यहाँ पर कोई भी दिन हो, हम यह मानते हैं कि किसी भी समय को नहीं देखना चाहिए। माना आज भी कई लोग यह कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर को याद करने पर ही हम इस कार्य को समय पर कर सकते हैं। आज भी उनको क्या चाहिए? हमें यह कहना है कि तुमको यहाँ पर सरकार के द्वारा इस राज्य में हमको विकास करने के लिए, चाहे रात हो, दिन हो, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। संसार में कार्य कैसा भी हो, कहीं भी हो, हमें एक साथ यहाँ पर आना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि कुछ लोग किसी भी कार्य का जब सामना करते हैं, तो हमें इस संबंध में यहाँ उनको तुमको उस पर इसमें यह भी कहना होगा कौन यहाँ आया है, कौन गया है, यह जानकारी देना, हमारा साथ देना जरूरी है। यहाँ वहाँ पर कहाँ से कौन आया है, क्या गया है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक दिन में एक साथ कोई भी एकदम अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए आज भी हमें इस बात की जानकारी देना है कि एक साथ कौन आया है, क्या थोड़ा है, क्या ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हमें कौन पैसा देता है, यह तो समय ही जानता है। आज भी उनको इसलिए यहाँ आना है। अब आगे क्या होगा, क्या हुआ है, हमको तुमको मुझे उसे इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि अब तुम्हें मुझे
उसे यह भी कहना होगा, आज भी इस संसार में कौन परेशान है, मुझे उसे और इसी के साथ यह इस गांव के विकास में शहर में कौन साथ देता है, यह कोई नहीं जानता है। लेकिन आज भी वे लोग यहाँ किस लिए आए हैं, उनको मालूम है कि ये सभी कार्य एक साथ कुछ थोड़ा कुछ ज़्यादा करने के लिए आए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर किस लिए आना है, इस बात की जानकारी कौन देता है। हमें यह कहना चाहिए कि अब उनको ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर के साथ रहने में हमको कोई परेशानी नहीं है। स्टॉप। क्या चाहिए? हमें यह कहना है कि तुमको यहाँ पर सरकार के द्वारा इस राज्य में हमको विकास करने के लिए चाहे रात हो दिन हो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार में कार्य कैसा भी हो कहीं भी हो हमें एक साथ यहाँ पर आना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि कुछ लोग किसी भी कार्य का जब सामना करते हैं तो हमें इस संबंध में यहाँ उनको तुमको उस पर इसमें यह भी कहना होगा कौन यहाँ आया है कौन गया है, यह जानकारी देना हमारा साथ देना जरूरी है। यहाँ वहाँ पर कहाँ से कौन आया है क्या गया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक दिन में एक साथ कोई भी एकदम अच्छा कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए आज भी हमें इस बात की जानकारी देना है कि एक साथ कौन आया है क्या थोड़ा है क्या ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हमें कौन पैसा देता है यह तो समय ही जानता है। आज भी उनको इसलिए यहाँ आना है, अब आगे क्या होगा क्या हुआ है हमको तुमको मुझे उसे इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि अब तुम्हें मुझे उसे यह भी कहना होगा, आज भी इस संसार में कौन परेशान है, मुझे उसे और इसी के साथ यह इस गांव के विकास में शहर में कौन साथ देता है, यह कोई नहीं जानता है। लेकिन आज भी वे लोग यहाँ किस लिए आए हैं, उनको मालूम है कि ये सभी कार्य एक साथ कुछ थोड़ा कुछ ज़्यादा करने के लिए आए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर किस लिए आना है, इस बात की जानकारी कौन देता है। हमें यह कहना चाहिए कि अब उनको ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर के साथ रहने में हमको कोई परेशानी नहीं है। स्टॉप।